आर्थिक भूगोल में वन संसाधनों के विषय में हम लोगों ने चर्चा की। संसार के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न जलवायु प्रदेशों में भिन्न भिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। उन वनों से जो है मानव को अनेक प्रकार के लाभ हो रहे हैं, जिनमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार के लाभ हैं। चूँकि आर्थिक भूगोल में मानव जो है प्रत्यक्ष लाभ पर अधिक बल देता है, वनों से जो मानव को प्रत्यक्ष जो लाभ होता है उनमें सबसे पहला जो है वनों से मानव को लकड़ी की प्राप्ति होती है। लकड़ी का उपयोग दो चीज़ों में मानव के द्वारा किया जाता है। पहला, ईंधन के लिए लकड़ी का उपयोग ईंधन के रूप में वो काम में लेता है। दूसरा जो है उपयोग जो है फर्नीचर के लिए लकड़ी की आवश्यकता होती है। साथ ही लकड़ी जो है अनेक उद्योगों के लिए कच्चा माल के रूप में भी काम में ली जाती है, जैसे कागज़ उद्योग जो का जो है कच्चा माल वनों से प्राप्त मुलायम लकड़ी है। साथ ही लकड़ी काटना भी जो है एक बहुत बड़ा उद्योग है। साइबेरियन प्रदेशों में, कनाडा में, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो मुलायम लकड़ी के क्षेत्र हैं, टेंगा वन हैं, वहाँ लकड़ी को काटना जिसे लंबरिंग या लंबरिंग उद्योग कहा गया है, ये भी एक महत्वपूर्ण उद्योग है जिससे हजारों लोगों को रोजगार की प्राप्ति हो रही है। तो हम देखते हैं कि वन से का जो प्रमुख लाभ है वो है लकड़ियों की प्राप्ति। लकड़ियाँ वनों से, चूँकि संसार में जलवायु में विभिन्नता है तो शीत जलवायु वाले भूभागों में जो वनों में जो वृक्ष हैं उनकी लकड़ी मुलायम लकड़ी है, जैसे देवदार, बर्च आदि जो टेंगा वनों के जो वृक्ष हैं उनकी लकड़ी मुलायम है, और उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों के जो वृक्ष हैं उनकी लकड़ी महोगनी, आयरन वुड, लॉन्ग वुड जैसे जो वृक्ष हैं, रबड़, इनकी जो कठोर लकड़ी होती है, दो तरह की लकड़ी हमें मिल रही है। वनों से मानव को दूसरा जो सीधा लाभ है, वनों में अनेक प्रकार की उपज होती है, वन उपज, उसका संग्रह मानव के द्वारा प्राचीन काल से ही किया जा रहा है। उस संग्रह में हम देखते हैं कि वृक्षों की छालें मानव के द्वारा इकट्ठी की जाती है जिनका उपयोग किया जाता है। कई वृक्षों की पत्तियां जैसे तेंदू पत्ती बीड़ी बनाने के काम में आती, और भी कई प्रकार की पत्तियां हैं उनका संग्रहण किया जाता है। कुछ वृक्ष एवं पौधे ऐसे होते हैं जिनसे रेशे प्राप्त होते हैं उनका संग्रहण किया जाता है। तनु का उपयोग भी किया जाता है। सुपारी, फल, गोंद, लाख, रबर और टेनिन बिरोजा ऐसे पदार्थ हैं जिनका संग्रहण वन से होता है, तो इनका उपयोग जो है मानव अपने कार्यों में करता है। वनों में पाए जाने वाले औषधीय पौधों से अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां हमें प्राप्त होती है। सिनकोना वृक्ष से जो है कुनेन मलेरिया की दवाई के उपचार के लिए जो दवाई बनाई जाती है कुनेन, वो सिनकोना वृक्ष से प्राप्त होती है। कपूर, अश्वगंधा, सीतामाता के वनों में जो है हम देखते हैं कि सैकड़ों तरह की जो औषधीय वनस्पतियाँ विद्यमान है जिनको हम उपयोग कर रहे हैं, तो ये सीधे प्रत्यक्ष लाभ जो है मानव को वन से मिल रहे हैं और इनका उपयोग हम लोग आर्थिक संसाधन के रूप में कर रहे हैं। वनों की उपयोगिता के अंतर्गत हमने तीन तरह की वस्तुओं के बारे में चर्चा की, और वनों से जो प्राप्त उत्पाद है उनमें लकड़ियों का महत्वपूर्ण स्थान है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। वनों से प्राप्त लकड़ियों में दो प्रकार की लकड़ियां हमें मिलती है, मुलायम लकड़ी और कठोर लकड़ी। मुलायम लकड़ी
के जो प्राप्ति स्थल है वो है विश्व के संकुल वनों में से, जो कोणधारी वन है 60 से 70 डिग्री अक्षांश में पाए जाने वाले जो कोणधारी वन है, जहाँ शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है, उन क्षेत्रों में मुलायम लकड़ी के वृक्ष पैदा होते हैं। उन वृक्षों में चीड़ का विशेष स्थान है, सबसे अधिक मात्रा में चीड़ पाया जाता है। फर, लार्च, सीडर, स्प्रूस, हेमलॉक, रेडवुड आदि वृक्ष ऐसे वृक्ष हैं जिनकी लकड़ी जो है मुलायम होती है। संसार में हम दृष्टिपात करें तो यूरोपीय देश स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, स्कैंडिनेवियन जो देश है जहाँ की जलवायु शीतोष्ण प्रकार की है, उन क्षेत्रों में इस तरह की लकड़ी के वृक्ष पाए जाते हैं। अमेरिका के जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के शीतोष्ण कटिबंधीय भूभाग में टेंगा वन मिलते हैं, संकुल कोणधारी वन पाए जाते हैं। रूस के जो साइबेरियन प्रदेश है उसमें पाए जाने वाले वनों को, संकुल वनों को टेंगा के नाम से पुकारा जाता है। वहाँ भी जो है मुलायम लकड़ी के वृक्ष पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया और न्यूजीलैंड जो शीतोष्ण जलवायु के भूभाग हैं, साथ ही चिली का दक्षिणी भाग, वहाँ भी जो है इस तरह के वृक्ष हमें देखने को मिलते हैं। मुलायम लकड़ी ये जो वन हैं, मुलायम लकड़ी के वनों से जो लकड़ी प्राप्त होती है उसका सबसे अधिक दोहन किया गया और सबसे मानव के द्वारा जो है इनका सबसे अधिक काटा गया, क्योंकि ये जो है कागज उद्योग, प्लाईवुड उद्योग, दिया सिलाई उद्योग, और सामान की पैकिंग की जो पेटियां बनती है, चाय वगैरह और भी जो सामान है उनकी पैकिंग की जो पेटियां बनती है, उन पेटियों के पैकिंग करने में भी इस मुलायम लकड़ी का उपयोग किया जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि वनों से जो है संसार में अनेक देशों में वन से प्राप्त मुलायम लकड़ी से जो है उनको काटने में और जो उद्योगों में जो है मानव को रोजगार की प्राप्ति होती है, वन एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में हमारे सामने आया है। शीतोष्ण कटिबंधीय मुलायम लकड़ी की भांति ही संसार में कठोर लकड़ी के वृक्ष भी पाए जाते हैं, जिनसे वनों से जो है हमें कठोर लकड़ी प्राप्त होती है। कठोर लकड़ी के दो क्षेत्र हैं, एक शीतोष्ण कटिबंधीय कठोर लकड़ियाँ और दूसरा जो है उष्ण कटिबंधीय कठोर लकड़ियों का क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय वनों से जो हमें लकड़ियाँ प्राप्त होती है कठोर लकड़ियाँ, उनको हम उष्ण कटिबंधीय कठोर लकड़ियाँ, और शीतोष्ण कटिबंधों से जो कठोर लकड़ियाँ प्राप्त होती है, शीतोष्ण कटिबंधीय भागों में जिन भागों में शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वन पाए, पतझड़ वन पाए जाते हैं, उन क्षेत्रों में कठोर लकड़ियाँ पाई जाती, जबकि शीतोष्ण कटिबंध के जो संकुल वन हैं वहाँ मुलायम लकड़ी के पेड़ पाए जाते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय कठोर लकड़ी के जो वृक्ष हैं उनमें बीच, मेपल, पॉपुलर, बलूत, एल्म, एश, चेस्टनट, यूकेलिप्टिस आदि ऐसे वृक्ष हैं जिनसे जो है हमें लकड़ी प्राप्त होती है। ये इन वनों से प्राप्त लकड़ी कठोर होती है, अतः इसका जो उपयोग है फर्नीचर उद्योग में किया जाता है, इस लकड़ी से फर्नीचर बनाए जाते हैं, और जो लकड़ी शेष रह जाती है वो ईंधन के रूप में उपयोग में आती है। जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वनों के जो से जो मुलायम लकड़ी प्राप्त होती है उससे कागज, दिया सिलाई और पैकिंग की सामग्री के निर्माण में उपयोग में लिया जाता है। ये जो वन है शीतोष्ण कटिबंधीय
कोणधारी वनों के दक्षिणवर्ती भागों में पड़ते हैं। इनकी जलवायु भी शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है, अतः ये सामान्यतः यूरोप के जो आल्प्स पिरेनीज जो पर्वतीय भूभाग है उनमें, एशिया में चीन मंचूरिया और कोरियन जो भूभाग है उनमें, अमेरिका के जो अपेलेशियन क्षेत्र, अमेरिका का जो अपेलेशियन पर्वत है उस भूभाग में, दक्षिणी चिली और पेटागोनिया जो दक्षिणी अमेरिका में है उन क्षेत्रों में इस प्रकार की लकड़ी हमें प्राप्त होती है जो शीतोष्ण कटिबंधीय कठोर लकड़ी है। ऑस्ट्रेलिया के जिन भागों में इस तरह की जलवायु है वहाँ भी इस तरह की लकड़ी जो है कठोर लकड़ी इन वृक्षों से हमें प्राप्त होती है। शीतोष्ण कटिबंधीय कठोर लकड़ी की भांति उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में भी कठोर लकड़ियां प्राप्त होती है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सदाबहार वन, पतझड़ वन, उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन, ये इस तरह के वन पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय जो सदाबहार वन है विषुवत रेखा के दोनों ओर उत्तर 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण का जो भूभाग है भूमध्य रेखा के, वहाँ जो भूमध्य रेखीय वन पाए जाते हैं जिन्हें उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन कहा जाता है और उनके पत्ते सदा हरे रहते हैं इसलिए उनको सदाबहार वन का नाम भी दिया जाता है। इन वनों में एबोनी, लो कास्ट, महोगनी, सागवान, रोजवुड, आयरनवुड, लॉन्गवुड, रबड़, बांस, हिमकोना ऐसे वृक्ष मिलते हैं जिनकी ऊंचाई बहुत अधिक होती है 70 से 100 मीटर, तना जो है 10 से 12 मीटर मोटा तक हो जाता है और लकड़ी जो है बहुत ही कठोर होती है। उस तरह की लकड़ी जो है सदाबहार वनों से मिलती है। साथ ही पतझड़ जो वन है जिन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है, इन मानसूनी वनों से भी जो है हमें कठोर लकड़ियां प्राप्त होती है। नीम, साल, सागवान, शीशम, चंदन, महुआ, हर्ड, बहेड़ा, साल, सागवान, चंदन, बहेड़ा, जामुन, पीपल, बरगद आदि जो वृक्ष हैं जो पतझड़ी वनों में हैं मानसूनी जलवायु के में पाए जाते हैं, इन वनों से भी जो है कठोर लकड़ी की हमें प्राप्ति होती है। इस कठोर जो उष्णकटिबंधीय भूभागों में जो कठोर लकड़ी के जो पेड़ पाए जाते हैं, चूंकि वहाँ की जलवायु अति आर्द्र है अतः वनों की सघनता भी अधिक है। वनों के नीचे वाले भाग में लताएं, दलदल और जहरीले जानवरों की अधिकता के कारण से वहाँ परिवहन के साधन नहीं पहुँच पाते हैं। इसके कारण से इन वनों का, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का जो है उपयोग अभी तक मानव नहीं कर पाया है क्योंकि परिवहन के साधन वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। दूसरे, लकड़ी जो है अत्यधिक कठोर है जो फर्नीचर के लिए भी उपयोगी नहीं, केवल रेलवे के जो स्लीपर हैं और जो जहाज की जो पट्टियाँ हैं उनके निर्माण के लिए ये लकड़ी काम में आती है, अन्यथा इसका उपयोग बहुत ही कम होता है। मानसूनी वनों में मिलने वाले या पतझड़ वन में जो पेड़ पौधे मिलते हैं उन वनों की जो है लकड़ी का उपयोग ईंधन के लिए और फर्नीचर निर्माण के लिए अधिकांश से किया जाता है, जैसे साल, सागवान, चंदन, शीशम, नीम, आम, बबूल ऐसे वृक्ष हैं जिनसे जो है घरेलू दरवाजे, खिड़कियां, पलंग, सोफ़ा वगैरह, टेबल, कुर्सी इस तरह के फर्नीचर का निर्माण किया जाता है जो घर में काम में आते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विश्व में दो तरह की लकड़ी है, एक उष्णकटिबंधीय लकड़ी
एक शीतोष्ण कटिबंधीय जो है क्षेत्रों में मुलायम लकड़ी, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मिलने वाली कठोर लकड़ी। उष्ण कटिबंधीय कठोर लकड़ी जो विषुवत रेखीय भूभाग है, अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन और दक्षिण पूर्व एशियाई भूभाग जहाँ विषुवत रेखीय जलवायु पाई जाती हैं वहाँ इस तरह की लकड़ी हमें कठोर लकड़ी मिल रही। और पतझड़ वन जिनको मानसूनी वन भी कहा जाता है, भारत, चीन, दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य एशिया में जो वो भाग जहाँ जलवायु ऑस्ट्रेलिया जहाँ मानसूनी जलवायु है उन क्षेत्रों में मानसूनी प्रकार के वन हमें देखने को मिलते हैं। और इस लकड़ी का जो अधिकांशतः उपयोग जो है फर्नीचर उद्योग में किया जाता है। संसार में जो वनों का जो प्रतिशत है उसमें 50% से अधिक वन जो है धरातल पर वो सदाबहार वन 50% से अधिक भूभाग को घेरे हुए हैं जिसको उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन भी कहा गया है, विषुवत रेखीय वन भी कहा गया है। शीतोष्ण कटिबंधीय जो वन है वो 35% भूभाग पर फैले हुए हैं और पतझड़ वन 15% भूभाग पर फैले हुए हैं। सदाबहार वनों से जो प्राप्त लकड़ी है उसका अधिकांशतः उपयोग बहुत ही कम हो पाया है क्योंकि वो कठोर लकड़ी है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जो मुलायम लकड़ियां जो हमें मिलती है उनका उपयोग सर्वाधिक हुआ है। इनमें संकुल जो वन है वे वन बहुत ही लाभदायक हैं, उनका अधिक व्यापारिक दृष्टि से ये वन अधिक लाभदायक हैं, इनकी लकड़ी का जो है मांग अधिक है। उसके बाद में जो पतझड़ वन है उनकी मांग, उनसे जो प्राप्त लकड़ियां हैं उनकी मांग अधिक है क्योंकि ये टिकाऊ होती है, मजबूत होती है और इनका जो है फर्नीचर के निर्माण में काम में लिया जाता है। ये संकुल वनों से जो प्राप्त लकड़ी है वो कागज़ के निर्माण में और पैकिंग सामग्री के निर्माण में उपयोग में लिया जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि संसार में जो है वन हमें सीधा लाभ देता है। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत वन संसाधन का अध्ययन हम कर रहे हैं। वनों से जो प्राप्त सामग्री है उनमें लकड़ी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और उस उनके बारे में हमने इस विषय इस सामग्री में अध्ययन किया है। लकड़ियों से प्राप्त वनों से प्राप्त लकड़ियां हमने देखी कि कठोर और मुलायम दो तरह की लकड़ी होती है। वनों से जो लकड़ी प्राप्त होती है उसका उपयोग हम लोग ईंधन के रूप में, औद्योगिक कार्यों में, परिवहन के साधनों जैसे रेल के डिब्बे और स्लीपर बनाने में, समुद्रिक जहाज के निर्माण में, कागज़ एवं लुगदी के निर्माण में और लकड़ी का कोयला बनाने में हम इसका उपयोग करते हैं। अविकसित राष्ट्रों, दक्षिण पूर्व एशियाई देश, मानसूनी जलवायु के देश और अफ्रीकन जो देश है जहाँ घरों में भोजन बनाने के लिए लकड़ी का ईंधन के रूप में अधिकांशतः उपयोग किया जाता है, जबकि विकसित राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, बेल्जियम, होलैंड जो यूरोपीय देश है और अमेरिका में कनाडा और अमेरिका वो देश जो है लकड़ी का औद्योगिक कार्यों में अधिक उपयोग करते हैं, कागज़ बनाने में, फर्नीचर में, लुगदी निर्माण करने में, दिया सिलाई बनाने में, परिवहन के साधनों में के निर्माण में जो है औद्योगिक कार्यों में इसका अधिक उपयोग करते हैं। जबकि अविकसित देश जहाँ पतझड़ वन और दक्षिण पूर्व एशियाई के देश है वहाँ लकड़ी जो है ईंधन के रूप में अधिकांशतः उपयोग में आती है। तो हम देख रहे हैं कि लकड़ी का जो है उपयोग मूलतः इस रूप में किया जाता है। संसार में कुछ देश ऐसे हैं जो लकड़ी का निर्यात करते हैं, कुछ देश ऐसे हैं जो लकड़ी का आयात करते हैं।
कनाडा और रूस, नॉर्वे और स्वीडन जो संकुल वनों के क्षेत्र हैं, फिनलैंड जहां मुलायम लकड़ी मिलती है वह विदेशों को जो है लकड़ी का निर्यात करते हैं। म्यांमार और थाईलैंड में जो है कठोर लकड़ी की प्राप्ति होती है। दक्षिण पूर्व एशियाई देश है, पतझड़ वन भी है और सदाबहार वन भी पाए जाते हैं, उनसे प्राप्त लकड़ी का जो है ये निर्यात करते हैं। दूसरी तरफ ग्रेट ब्रिटेन, नीदरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल, स्पेन ऐसे देश हैं जो कठोर और मुलायम दोनों ही प्रकार की लकड़ी का आयात करते हैं और उनको औद्योगिक कार्यों में उपयोग करते हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं कि संसार में वनों से जो लकड़ियां प्राप्त होती है वो एक मुख्य उपयोग है और उसका जो है मानव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है। दूसरे लेक्चर में हम देखेंगे कि वनों से जो अन्य उत्पाद प्राप्त होते हैं, किन किन क्षेत्रों में कौन कौन से उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं और उनका मानव अपने लिए किस तरह से उपयोग में लेता है।